नमस्कार दोस्तों, मैं लिपिका प्रीत आप सभी दर्शकों का बिहारी न्यूज में स्वागत करती हूं। इस लोकसभा चुनाव में लालू परिवार की अंदर की लड़ाई देखने को मिलेगी। तेज प्रताप अपनी जिद पर बैठे हुए हैं और उनके माता पिता तेज प्रताप की इस जिद के आगे झुकने को तैयार नहीं है। तेज प्रताप ने राजद से अलग होकर एक नई पार्टी बनाने की घोषणा कर देने के बाद ये लड़ाई अब और भी बढ़ गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप के ऊपर राजनीतिक जवाब भी दे दिया है। तेजस्वी यादव ने इस मामले में बताया कि इस बार की लड़ाई देश की संविधान बचाने की है, ना कि ये चुनाव परिवार की अंदरूनी लड़ाई है। उन्होंने आगे बताया कि देश के बारे में सोचना चाहिए, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए और इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। तेजस्वी ने स्पष्ट तौर पर तेज प्रताप को संदेश देते हुए बोला कि वो पारिवारिक झगड़े को आगे न बढ़ाएं और सबके साथ मिलकर काम करें। लेकिन उनके इस बयान में साफ तौर पर दिखा कि तेज प्रताप के इस हरकत से झुकने नहीं जा रहे हैं और उन्हें राजनीतिक लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। बता दें, तेज प्रताप ने इस बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी एक नई पार्टी लालू राबड़ी मोर्चा बनाने का घोषणा कर दिया। तेज प्रताप ने बोला कि उनके भाई गलत लोगों के साथ घिर गए हैं और उनके ऊपर इसका असर भी दिख रहा है। वहीं तेजस्वी ने इस बात को लेकर अपने बड़े भाई पर पलटवार किया है। तेज प्रताप ने कौरव पांडव का चर्चा करते हुए बताया कि दो सीट ही मैंने मांगा था, लेकिन मुझे इसके लिए कोई भी उत्तर नहीं मिला। तेज प्रताप ने आगे कहा कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के लिए दे दी, उन्हें भी टिकट देने के लिए वक्त उनकी जगह किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया। तो दोस्तों, इसी तरह की रोचक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।